प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, अस्वीकार्य, विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं। देवी देवताओं को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने वाले लोगों पर होगी कठोर कार्रवाई, मत मजहब और संप्रदाय का करना होगा सम्मान। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा प्रवक्ता की टिप्पणी भी सामने आई और आपको बता दें कि उदयवीर का पलटवार भी देखने को मिला। संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं के एकजुट होने वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा मोदी भागवत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को खतरा। एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है, वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया, कहा कि झारखंड में लागू होगा एनआरसी और घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा, ये हमारा संकल्प है। नक्सलवाद के खिलाफ दिल्ली में हाई लेवल बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग, मीटिंग में नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद। और दिल्ली के सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी ने षड्यंत्र करके केजरीवाल को 6 महीने जेल में रखा, बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र नहीं हो पा रहा सफल, दिल्ली में काम रोकना चाहती भारतीय जनता पार्टी। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर एक झूठे केस में फंसा कर अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने तक जेल में रखा। केजरीवाल का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है बीजेपी, मुझे झूठे केस में फंसाया। आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी, तो ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच थोड़ी चल रही है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से। और आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की छापेमारी और इसी कार्रवाई पर भड़के सांसद संजय सिंह और कहा कि केंद्र सरकार की फर्जी केस बनाने वाली मशीन आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी। मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा कि सरकार एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग, आपको मिटाने की साजिश कर रही है बीजेपी। इन्होंने सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद मुझको गिरफ्तार किया, विजय नायर को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कराया ईडी से, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से गिरफ्तार कराया, सब बाहर आ गए। और लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू तेजस्वी तेज प्रताप समेत सभी 9 आरोपियों को 1 लाख के निजी मुचलकर पर कोर्ट ने जमानत दी और 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत किए गए केस एजेंसियों का किया गया दुरुपयोग। पूरी तरीके से जो है राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय मीटिंग हुई, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत। राष्ट्रपति भवन में मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू का भव्य स्वागत किया गया, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू भी मौजूद रही, आज पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे मोइजू। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित और वहीं पर राजघाट पहुंचकर मोइजू ने बापू को श्रद्धांजलि भी दी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में चुनावी परिणाम से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा, कल यानी कि 8 अक्टूबर को आएंगे चुनावी नतीजे। गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी की भोपाल में छापेमारी, इंडस्ट्रियल एरिया बागरोदा पठार में एक निजी फैक्ट्री पर छापा मारा, आपको जानकारी दे दें कि अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। इधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विध्वंसनी मंदिर में जूते पहनकर प्रवेश करने पर सरकारी अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दूल्हे का बारातियों के साथ स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा, कार की छत पर बैठा नजर आया दूल्हा और अब वीडियो काफी ज्यादा वायरल। उत्तर प्रदेश के बागपत में विजय जुलूस में हुड़दंग विजय प्रत्याशियों ने बुलडोजर पर सवार होकर निकाला विजय जुलूस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
सहारनपुर में पुलिस पर पथराव करने वाले 13 उपद्रवी गिरफ्तार हो गए। पत्थरबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे सभी आरोपी। पथराव करने वाले उपद्रवियों का पुलिस ने वीडियो जारी किया। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में धर्म परिवर्तन का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 2 धर्म प्रचारक गिरफ्तार किए गए हैं। अपराधी की बाइबल समेत कई पुस्तकें बरामद की गई है। देवी देवताओं की पूजा करने से मना करते थे। यूपी के बरेली में युवक ने लगाए पाकिस्तान के समर्थन में नारे। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध और देश विरोधी टिप्पणी करने वाले आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने किया रूट मार्च। त्योहारों को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। नवरात्र और प्रतिमा विसर्जन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नवरात्र में एक गांव में आदिवासी लोग करते हैं रावण की पूजा। 9 दिन प्रतिमा की स्थापना कर दशहरा पर विसर्जन करते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में छात्राओं से छेड़खानी का मामला सामने आया। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट की घटना। तस्वीरें काफी ज्यादा कैमरे में कैद हुई और वायरल भी हो रही है। 6 लोगों पर लूट और मारपीट का आरोप भी है। जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने तस्करों से बरामद किए हैं 6 किलो के करीब डोडा। आपको बता दें कि SSP के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की है। यूपी के कुशीनगर में फर्जी DSP बनकर ठगी करने वाला छात्र गिरफ्तार हुआ। महिलाओं को सिलाई सेंटर का शिक्षक बनाने का देता था लालच। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। गुजरात के अंबाजी में हादसा हुआ। पहाड़ी पर पलटी बस। हादसे में कई लोग घायल हुए। मुंबई के माहिम इलाके में हादसा। एक बिल्डिंग में लगी भयंकर आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा के महागुण सोसाइटी की 20वीं मंजिल पर लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बेरूत में के बाद एक बम बरसा रही इजरायली सेना। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। भयानक तस्वीरें सामने आई। इजरायली हमले के बाद बेरूत में बर्बादी की तस्वीर सामने आई है। खंडहर में तब्दील हुई इमारतें। सड़कों पर नजर आया मलबे का ढेर। और IDF ने KFR को बनाया निशाना। लगभग 20 रॉकेट लॉन्च करने की सूचना दी। एक रॉकेट ने वाहन पर भी हमला किया। लेबनान के साथ साथ गाजा पर भी इजरायल ने तेज हमले किए हैं। उत्तरी गाजा में एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई है। तेल अवीव में हमास के हमले की बरसी आज है। ईरान इसराइल के बीच भीषण जंग जारी है। स्टैंड बाय पर रखे गए 2000 से ज्यादा ईरानी मिसाइल्स इसराइल को निशाना बनाया। इसराइल का हिजबुल्ला पर बड़ा हमला। हिजबुल्ला का एक और कमांडर ढेर किया गया। हिजबुल्ला कमांडर हैदर अली मारा गया। और वेस्ट बैंक में IDF से इजरायली सेना को बनाया गया निशाना। आपको बता दें कि तुलकमर में एक विस्फोटक से इजरायली सैन्य वाहन पर भी हमला किया गया। बेरूत के खिलाफ IDF के हमले जारी हैं। वायुसेना ने हिजबुल्ला के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया है। हाल ही में युद्ध सामग्री गोदामों पर भी IDF ने हमला किया था। IDF ने दक्षिणी लेबनान में भी मस्जिदों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि हमले के लिए हथियारों को छिपाने के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल होता था। इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया बेयर शेवा में हुए हमले का वीडियो। हमले में मारे गए थे 2 इजरायली सैनिक और अन्य 24 लोग हुए थे घायल। इजरायली बेरूत में किए ताबड़तोड़ हमले। आसपास नजर आया काले धुएं का गुबार। शहर के दक्षिण में इजरायली सेना ने तेज की बमबारी। हाइफा में सुनी गई सायरन की आवाज और धमाके। इजरायली सेना की तरफ से दिया गया बयान। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ही सीमा पर जारी है गोलीबारी। और तेल अवीव में सुनी गई सायरन की आवाजें। यमन से आ रहे ड्रोन को इजरायली सेना ने रोकने का किया प्रयास। बेरूत पर इजरायली सेना ने किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक। लेबनान में इजरायली हवाई हमलों ने भी भारी तबाही मचाई। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाया। एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। इजरायली सेना ने हमास की तरफ से इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रदर्शनी दिखाई। इन सभी हथियारों को इजरायली सेना ने किए थे जब्त। रूस ने दोनेस क्षेत्र में एक बस्ती पर कब्जे के लिए दावा किया, जबकि यूक्रेन ने मिसाइल्स और रॉकेट से एक रूसी सैन्य कमांड पोस्ट पर भी हमला किया। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा ने हिजबुल्ला आंदोलन के कार्यालय का दौरा किया। नसल्ला को इस्लामी दुनिया के लिए बताया बड़ी क्षति। इजरायल और हमास के बीच युद्ध को आज पूरे 1 साल हो गए। IDF ने हमास के हमले का वीडियो जारी किया। अभी तक शांत नहीं हुआ युद्ध।
इसराइल हमास के बीच जंग के एक साल पूरे होने पर जर्मनी में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। इसराइल के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा सभी यहूदी विरोधी भावनाओं के खिलाफ। ट्विटर में लेबनानी राजदूत का बयान भी सामने आया, कहा इसराइल ने शांति योजना को किया अस्वीकार। इसराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने ईरान को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो गाजा या फिर बेरूत जैसे हालात हो जाएंगे। ईरान पर हमले की तैयारी के बीच वाशिंगटन की यात्रा करेंगे इसराइल के रक्षा मंत्री। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक का सुरक्षा परामर्श के लिए पेंटागन का दौरा करेंगे इसराइली रक्षा मंत्री। गाजा में पिछले साल हुए हमले को लेकर बर्लिन के ब्रेंडनबर्ग गेट पर मौन रखा गया, साथ ही लोगों ने युद्ध पर विराम लगाने का भी आग्रह किया। कराची एयरपोर्ट में हुए हमले को लेकर अब इस्लामाबाद में चीनी दूतावास का बयान सामने आया, हमले में दो चीनी नागरिक के मारे जाने की पुष्टि की, अपने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ, धमाके में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हैं। धमाके के बाद इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। कराची एयरपोर्ट के बाहर एक टैंकर में विस्फोट हो गया, आसपास खड़े वाहनों में लग गई भयंकर आग। पाकिस्तान में एससीओ समिट से पहले बड़ा आतंकी हमला, सूत्रों का दावा निशाने पर थे चीनी नागरिक। कराची एयरपोर्ट पर हमले के बाद का वीडियो भी सामने आया और घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर हुए विस्फोट को लेकर पुलिस का बयान और कहा कि धमाके में दो लोगों की मौत की पुष्टि, 8 लोगों के घायल होने की भी सूचना। जम्मू में चुनावी परिणाम से पहले फारूक अब्दुल्ला से मिले असलम गोनी, दोनों नेताओं के बीच चली करीब 20 मिनट मीटिंग, कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा। थाईलैंड के चियांग माई शहर में बाढ़ का कहर, कई नदियों का बढ़ा जलस्तर, आवासीय और पर्यटक क्षेत्रों में करना पड़ रहा है लोगों को परेशानी का सामना।